अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उबैद और फाइनली ओप्पो ने अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तानी मार्केट में। ओप्पो मिड रेंज कैटेगरी में काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च करता रहा है और ओप्पो की ए सीरीज़ काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती रही है मिड रेंज कैटेगरी में। और इस बार ओप्पो ने अपनी ए सीरीज़ का लेटेस्ट स्मार्टफोन A95 उतारा है मार्केट में। ये फ़ोन 42,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं ओप्पो के A95 में, और मैं शेयर करूंगा मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस डिवाइस के बारे में, कैसी है और क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपके अपने मोबाइल पे। तो दोस्तों ये है ओप्पो का A95 का बॉक्स। ये फ़ोन आता है 8GB 128GB के स्टोरेज वेरिएंट में। लेफ्ट और राइट साइड पे ब्रांडिंग है, जबकि बॉक्स के ऊपर PTA स्टिकर मेंशन है। बॉक्स के बैक पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें है सबसे पहले 33W का फ्लैश चार्ज, 8GB 128GB की स्टोरेज विद रैम एक्सपेंशन, 5000mAh की बैटरी, 6.43 इंच का एमोलेड पैनल विद फुल HD+ और आई केयर डिस्प्ले के साथ। प्रोसेसर को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कौन सा है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले मिलता है एक पैम्फलेट, जिसमें है एक सिम इजेक्टर पिन, यूजर मैनुअल और एक सिलिकॉन केस। नीचे मिलती है हमें हमारी डिवाइस, जैसे कि अभी साइड पे करके बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे है एक टाइप सी केबल और 33W का अडाप्टर। चलें वापस अपनी डिवाइस की तरफ आते हैं। डिवाइस हमें ग्लोइंग स्टारी ब्लैक कलर में मिलती है। डिवाइस पे लगे रैपर पे भी हमें वही फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो चलें रैपर को हटाते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक लेते हैं। डिवाइस काफ़ी खूबसूरत लग रही है इस कलर में, लेकिन इसके अलावा आपको इस डिवाइस में एक रेनबो कलर भी मिलता है जो कि इससे भी ज़्यादा प्यारा लगता है। डिवाइस के बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का मेन सेंसर मिलता है और बाकी दो 2MP के डेप्थ और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में डिवाइस काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है और काफ़ी स्लिम डिवाइस आती है ये ओप्पो की तरफ से। तो चलें अब इसे मैं सेटअप करता हूँ और फिर डिवाइस के फीचर्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो ओके जी, फाइनली जब डिवाइस ऑन हो चुकी है और डिवाइस के ओवर फील से शुरू करें तो हमें सामने की तरफ 6.43 इंच का एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिसमें दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि डिवाइस के लेफ्ट पे पावर बटन और राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे दी गई है, जिसमें डुअल सिम और एसडी कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। डिवाइस के नीचे की तरफ हमें हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं। इस फोन के कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का मेन, 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। कैमरा ऐप में आपको सारे बेसिक फीचर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि नाइट, पोर्ट्रेट, स्लोमो, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट और पैनोरामा। जबकि वीडियो में आप 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट पे आपको 60MP का सेल्फी शूटर दिया गया है। फोटो और वीडियो की क्वालिटी को हम अपने फुल रिव्यू में टेस्ट करेंगे, तो उस वीडियो का वेट लाजमी करना। इसके अलावा इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया। कलर्स काफी अच्छे हैं और मूवी लवर्स के लिए बढ़िया स्क्रीन है। इसके अलावा आपको स्क्रीन के नीचे काफी मिनिमल चिन्ह दी गई है। तो चलें अब इस फोन के वीक पॉइंट की बात करें तो वो है इस फोन का प्रोसेसर। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट दिया गया है जो कि 11nm पे बेस्ड है, और इसी रेंज में आपको इससे काफी बेटर चिपसेट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं डेली डे टू डे यूजेज की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी मसला फील नहीं हुआ। लाइट एप्स इजिली रन हो जाएंगी। इसके अलावा आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर पाएंगे, लेकिन इसे हम मजीद अपने फुल रिव्यू में टेस्ट करेंगे कि ओप्पो A95 कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग में। डिस्प्ले के अंदर ही आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है और इंस्टेंट अनलॉक कर देता है फ़ोन को। इसके अलावा ओप्पो A95 में दी गई है आपको 5000mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग, जो कि 50% चार्ज कर देगी आपके फ़ोन को जस्ट 30 मिनट्स में। इसके अलावा अगर आप पावर यूज़र भी हैं तो तब भी ये फ़ोन आपका इजिली लास्ट कर जाएगा एक दिन।
सॉफ्टवेयर में ये फ़ोन आता है कलर ओ एस 11.1 के साथ, जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। डेली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो फ़ोन ठीक ठाक काम करता रहा है मेरे यूजेज में। मुझे यहाँ पे कोई भी लैग या स्टेटनेस फील नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5GB तक की रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अपनी रैम को 8GB से 13GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओप्पो A95 की अनबॉक्सिंग। ये फ़ोन जो है वो रिटेल मार्केट के यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिन्हें तो ना अच्छे प्रोसेसर से फ़र्क पड़ता है और ना ही गेमिंग चाहिए होती है उन्हें, बल्कि ये एक बैलेंस डिवाइस है जो कि मोस्टली यूजर्स को माइंड में रख के बनाई गई है। बाकी कैमरा और गेमिंग को हम अपने फुल रिव्यू में टेस्ट करेंगे और मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।